जीएसटी में बहुत सारी तकलीफें आ रही है एमएसएमई सेक्टर को। अगर हम देखेंगे तो जीएसटी 2017 से लागू हुआ, उसमें शुरुआत में कॉम्प्लायंस से संबंधित दिक्कत थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसमें नोटिसेज और कॉम्प्लायंस से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं उससे एमएसएमई सेक्टर बड़ा ग्रसित है। आज हर छोटी छोटी बात पे उनको नोटिस मिल रहा है, उनके ऊपर डिमांड लगाई जा रही है और उनका अपील का राइट कर्टेल किया जा रहा है। आज अगर 4 महीने में अपील नहीं कर पाते तो अपील का राइट खत्म हो जाता है। एमएसएमई सेक्टर के लिए एक सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जीएसटी में कॉम्प्लायंस कॉस्ट उनकी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से सारा ट्रेड जो एमएसएमई सेक्टर के पास था वो कॉरपोरेट सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर में बढ़ता जा रहा है और उससे बहुत बड़ा हिंदुस्तान को नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का सारा ट्रेड अगर एमएसएमई सेक्टर से शिफ्ट हो गया तो हिंदुस्तान की जीडीपी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। आज हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर जब सर्वेज होते हैं, जब उनके ऊपर इंक्वायरीज होती हैं तो वो कॉम्प्लाई नहीं कर पा रहा। कॉम्प्लाई इसलिए नहीं कर पा रहा कि इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स आते हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं कि उसका उनको एक ट्रैक रखना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। और उस मुश्किल को दूर करने के लिए सरकार छोटे व्यापारियों के लिए, मध्यम व्यापारियों के लिए एक स्पेशल योजना आनी चाहिए। आज एक बड़े कॉरपोरेट और एक एमएसएमई सेक्टर के व्यापारी या इंडस्ट्री को अगर आप साथ कंपेयर करेंगे तो वो एक हिंदुस्तान के लिए गलत बात होगी। उनको स्पेशल रिबेट्स आनी चाहिए, स्पेशल बेनिफिट्स आने चाहिए। जो शुरुआत में जीएसटी में सरकार नया लॉ लेकर आई उसमें गलतियां रही, उसके लिए सरकार को एक एमनेस्टी स्कीम लानी चाहिए। जो एमनेस्टी स्कीम ला रही है वो रिटर्न से रिलेटेड है, लेकिन रिटर्न से रिलेटेड नहीं, छोटे छोटे जो मिस्टेक्स रह गई, छोटी छोटी गलतियाँ रह गई, जो एमएसएमई सेक्टर समझता नहीं था, उन्होंने अपने मन से जो थोड़े बहुत काम किए, अगर उनको आप इंटरेस्ट और पेनल्टी के बर्डन से दबाव में डाल देंगे तो उनके पास और कोई अल्टरनेट नहीं रहेगा अपना बिजनेस व्यापार बंद करने का। इसलिए उनके लिए एक जनरल एमनेस्टी योजना, कम से कम 2017 से 2020 तक के वर्षों में जो छोटी गलतियां रह गई या कोई गलत क्रेडिट हो गया उनके लिए आनी चाहिए। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि एक लॉ ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, एक लॉ ऐसा होना चाहिए जो एक कॉरपोरेट और एक एमएसएमई सेक्टर को इक्वल प्रावधान पे नहीं रखे, उसमें चेंजेस दिया जाए, उसमें कुछ स्पेशल बेनिफिट दिए जाए। सारे स्पेशल बेनिफिट्स अगर ख़त्म कर देंगे तो एमएसएमई सेक्टर हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगा और जीएसटी और हिंदुस्तान दोनों के लिए ये अच्छा नहीं है। जीएसटी का मैकेनिज्म ठीक नहीं है, क्योंकि आज जीएसटी में छोटे कारोबारी के पास उसके पास कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है, वो जिससे माल खरीदता अगर वो डिफॉल्टर निकल जाता है तो उसको डबल टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी पड़ती है। एक बार तो कर वो माल खरीदते समय दे चुका और उसके बाद उसके ऊपर वापस डिमांड आती है कि जिससे आपने माल खरीदा वो डिफॉल्टर निकल गया और उस डिफॉल्टर निकलने की वजह से उसको वापस से कर, उस पर ब्याज और उस पर मैंडेटरी पेनल्टी का प्रावधान कर दिया। अगर थोड़ा सा अमाउंट बढ़ गया तो उसको जेल का डर दिखाया जाता है, उसको अरेस्ट के प्रावधान दिखाए जाते हैं। टैक्स लॉज में क्रिमिनल लॉ नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल चीज़ है, अगर आप क्रिमिनल को टैक्स लॉ दिखाएंगे तो वो थोड़ी चलेगा। इसीलिए टैक्स लॉ में क्रिमिनल, आज व्यापारी व्यापार कर रहा है तो उसको क्रिमिनल नहीं बनाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है और आज हर छोटा व्यापारी, उसके पास दिक्कत ये आ रही है कि उसका जो सप्लायर है कोई ना कोई डिफॉल्टर निकला और उसके ऊपर डिमांड बढ़ती जा रही है। उस डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी वर्किंग कैपिटल डिपार्टमेंट ब्लॉक कर देता है, उसका बैंक अकाउंट अटैच कर देता है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 83 में ब्लॉक कर देता है और उससे उसका व्यापार ठप हो जाता है। हमने ये भी पाया कि अगर आपने 2 महीने रिटर्न नहीं करी तो आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे, आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। अगर लाइसेंस सस्पेंड होता है तो वो व्यापार करने से वंचित हो जाता है, उसका ईवे बिल जनरेट करना बंद हो जाता है। अगर व्यापार नहीं करेगा वो तो खाएगा क्या, उसके पूरे परिवार पे, उसकी इज्जत पे, सब पे उसका असर आता है। ऐसे ड्रैकोनियन पावर्स को सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए। जीएसटी में अच्छी चीज़ें भी हैं, मैं बुराई की बात नहीं करूँगा। जीएसटी में अच्छा है, आपको क्रेडिट मिलता है, आप जो माल खरीदते हैं उसमें टैक्स फ्री नहीं है, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉस खत्म हो गए, आप इंडिया को वन मार्केट बना दिया, कहीं से भी इंडिया से माल खरीदो आपको उसका इनपुट मिलता है। तो अगर आप ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में जाओगे तो इकोनॉमी बढ़ रही है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज ट्रेड में इंडिया शिफ्ट हो रहा है, इसलिए जीडीपी के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि 2017 में सोचते थे 80-90 हज़ार
करोड़ टैक्स आ जाए बहुत बड़ी बात हो। आज हम अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 करोड़ रुपए पे आ चुके हैं और आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 2024 में ये 2,00,000 करोड़ तक पहुंच जाए। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया में खाली कॉर्पोरेट्स नहीं, एमएसएमई सेक्टर का, और अगर एमएसएमई सेक्टर सर्वाइव नहीं करेगा तो इंडिया सर्वाइव नहीं करेगा। तो एमएसएमई सेक्टर को जिंदा रखने के लिए आपको उसको कुछ ना कुछ छूट देनी पड़ेगी, उसको कुछ बेनिफिट देने पड़ेंगे, जीएसटी में स्पेशल रिबेट्स देनी पड़ेगी। आपने ऐसे ऐसे लॉज बना दिए कि एक्चुअल में एमएसएमई तो खत्म होता जा रहा है। 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, क्या मजाक। दोनों पार्टियों में झगड़ा नहीं है, सरकार बीच में कूद रही है। लेने वाला और बेचने वाला कहता है कि 1 साल में पेमेंट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है नहीं, इनपुट नहीं मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट भी लगाएंगे और उस पर 122वां पेनल्टी भी लगाएंगे। कहां से बिजनेस सर्वाइव करेगा? तो बिजनेस अपने आप ही कॉर्पोरेट्स के हाथ में चला जाएगा। ये चीजें हमको सोचनी पड़ेगी। अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी है, चलती रहेंगी, ये सब टेक्निकल बात है। एकदम 100% सही बात कह रहे हो, मैं खुद भी ये कह रहा हूँ, एमएसएमई इस समय सबसे ज्यादा परेशान है, एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा जीएसटी के प्रावधानों से। और जो बिजनेस ऑडिट हमने ये सोचा था ऑनलाइन होएगा, सारा ऑफलाइन हो गया। हमने ये सोचा था इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा, सारा इंस्पेक्टर राज आ गया। हमने ये सोचा था ये बिजनेस ऑडिट्स, ये असेसमेंट, ये सब ऑनलाइन होंगे, क्योंकि कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये चीज हमको ऑनलाइन पता पड़ जाएगी। वो सब रिकॉर्ड ले लेकर बुलाते हैं और पता नहीं क्या क्या होता। हमने ये सोचा था कि जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो उसको रजिस्ट्रेशन सरकार दे रही है, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो गलती हमारी। ये क्या मजाक, आपने चेकिंग नहीं करी, आपने उसको फॉलो नहीं किया। हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, हमारे हाथ में ये पावर भी नहीं है कि वो आदमी डाउटफुल है लेकिन माल उसी के पास है तो हम उसको टैक्स नहीं दे, डायरेक्ट जमा करा दे, हमको ये पावर दे दे, लेकिन ये पावर भी सरकार नहीं देती। और अगर वो डिफॉल्ट करता है, या वो डिफॉल्ट नहीं करता उसका सप्लायर डिफॉल्ट करता है, अगर वो डिफॉल्ट नहीं करता उसका भी सप्लायर डिफॉल्ट करता है तो भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, तो मैं तो खरबूजा हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा, मध्यम वर्गीय इतनी कॉम्प्लायंस नहीं कर सकता। अल्टीमेटली क्या होगा, वो वापस जॉब छोड़ेगा, दुकान छोड़ेगा, या तो छोटी दुकान करेगा, या जो इस अपन जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, धीरे धीरे आउट होंगी, और अल्टीमेटली सारा ट्रेड जो है वो कॉर्पोरेट्स में चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लायंस बढ़ती जाती है सर, ये जो कमी है इस बीच। मैंने जो सरकारी अमलदार काम करता था वो सब अभी कंप्लायंस में आ गया, ऐसे कुछ सब अपने को करने का। आप जो कह रहे हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, रेगुलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो देकर हमारी वेबसाइट पर हम अपलोड कर देते हैं, जिससे सबको मालूम रहे ये रिप्रेजेंटेशन, और सरकार से ये सुधार के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है। और अभी भी कल की जो कॉन्फ्रेंस होगी, लोगों के विचार सुनेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, और जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो पता पड़ेगी, उसका एक नोट बनके जब भी मीटिंग खत्म होती है उसके एक वीक बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास जाता है। लेकिन इसमें एक और दिक्कत आ रही है, हमारा रिप्रेजेंटेशन तो सरकार के पास जाता है लेकिन ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन नहीं देती।